हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय शो। आज हम बनाएंगे मलाई पनीर कोफ्ता करी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल की। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करेंगे हम बोल लेकर। बोल में मैश पोटैटो डालकर उसमें ग्रेट किया हुआ पनीर, ग्रीन चिली, जिंजर और कोरिएंडर डालकर, कैशू और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साल्ट डालकर, मैदा इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको छोटे छोटे बॉल बनाना है। बॉल बनाना है। बॉल बनाकर रख दीजिए। बाद में तेल गरम होने के लिए रख दीजिए। तेल गरम हो चुका है, अब हम ये बॉल को डीप फ्राई करेंगे। अब पनीर कोफ्ता रेडी है। अब हम मलाई करी बनाएंगे। मलाई करी बनाने के लिए पहले पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर तेज पत्ता, इलायची, लौंग और सिनेमन डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। बाद में उसमें ऑनियन, टमेटोस डालकर अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसमें कैशू और वाटरमेलन सीड्स डालकर थोड़ी सी पानी डालकर अच्छे से उसको बॉईल करना है। अब हम मसाला डालेंगे इसमें, और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर उसमें अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, और पेस्ट को अच्छे से उबालने के लिए रख दीजिए। थोड़ी सी सॉल्ट डालकर उसको 5 मिनट ऐसे ही उबालने दीजिए। बाद में इसको ठंडा होने के बाद उसमें मिक्सी में ग्राइंड कर दें। अब हम चिन्नी में डालकर इसको फिल्टर करेंगे। अब फिल्टर हो चुका है। चलिए पैन लेकर अब हम ग्रेवी बनाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून घी डालकर उसमें सौंफ डालकर और 1 खरी उसमें डाल दीजिए, उसको फ्राई कर दीजिए। बाद में उसमें कसूरी मेथी, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट डालकर उसको उबालने के लिए रख दीजिए। आखिर में इसमें बहुत सारे मलाई डालकर उसको उबालने के लिए रख दीजिए। अब ये करी तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, अब करी तैयार है। अब हम इसको कोफ्ता के ऊपर करी डालकर उसमें मलाई डालकर और धनिया डालकर गार्निश करेंगे। अब मलाई कोफ्ता पनीर करी रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।